हाँ तो किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है रवि जोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम केज वर्ल्ड फार्मिंग में। तो आपको ये सब जानकारी सर से मिलेगी, तो आओ शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हाँ तो किसान साथियों, आज हम अनुज चौधरी जी के फार्म पर आए हैं और यहाँ देखेंगे इन्होंने किस प्रकार से ये वर्ल्ड का जो फार्म बनाया हुआ है वो किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है और इनकी टेक्निक क्या है। तो सर, आपके फार्म का नाम क्या है? हमारे फार्म का नाम एक्चुअल में ऑटोक्राफ्ट टावर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है जी। तो सर, आप ये बताएं कि जैसे ये बच्चे आप अब लाए हैं तो ये कितने दिन के हैं? ये सर अभी फिलहाल ये 4 दिन के बच्चे हैं और जो बच्चा स्टार्टिंग में आता है डे वन ओल्ड आता है, 1 दिन का बच्चा। अच्छा, 1 दिन का बच्चा आता जी, है जी। अभी ये 4 दिन का है बच्चा। तो सर, जैसे कि ये आपने स्टार्ट किया है तो ये एग कब देना शुरू करेंगे, कितने टाइम में? ये सर एग प्रोडक्शन का ही मेनली बिजनेस है और ये 4 महीने बाद जब बच्चा 100 दिन से ऊपर का हो जाएगा उसके बाद ये प्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर लेंगे। एक बर्ड एक एग पर डे। अच्छा, एक तो ये मतलब ये कंटिन्यू कितने दिन तक देगी? ये 1 साल तक सर। अच्छा, 1 साल तक। तो चौधरी साहब, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये आपने बहुत हाई टेक्निक से बनाया हुआ है जी, तो आप किसान भाइयों को ये बताएं कि आपने जो ये बच्चे लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं और ये फीड का जो फीड मैनेजमेंट है वो कहाँ से करा, अपना बनाओगे या क्या करोगे, इसमें क्या प्रोसीजर है? एक्चुअली में क्या है सर, ये जो आप बच्चा देख रहे हो ये इंडिया के अंदर दो या तीन कंपनी है जो इम्पोर्ट करती है जी, पूरे इंडिया के अंदर। ये वैंकी कंपनी का बच्चा है, वैंकी जी जी, ठीक है। इसकी हैचरियाँ होती है जी, जी। पूना में है, हमारे इधर चंडीगढ़ में है जी, सहारनपुर में भी है। तो हमने बच्चा वहाँ से सहारनपुर से इम्पोर्ट किया है। अच्छा, ये सहारनपुर से लिया? ये सहारनपुर से। 36 रुपये का एक चिक्स पड़ा है हमें, डे वर्ल्ड ओल्ड का। एक दिन का बच्चा 36 रुपये का। 36 रुपये का हमें चिक्स पड़ा है ये, ठीक है। उसके बाद ये फीड जो है, आप ये देख रहे हैं फीड है जी। ये चिक्स ना 22 दिन तक, जब तक ये बड़ा नहीं होता मतलब, तो 22 दिन तक हमें इसको यही फीड खिलाना पड़ता है जो कंपनी बोलती है, क्योंकि अच्छा, इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो इनको जरूरत है, जो इनको जरूरत है, जो हम अपने फीड में वैसे नहीं डाल सकते। वो बाय डिफॉल्ट ही कंपनी इसको बनाती है जो चिक्स को जरूरी है, तो अगले 22 दिन तक ये चिक्स इसी फीड को खाएगा। ये फीड जैसे हम अगर बैंक की कंपनी से बना बनाया जैसे हम ले रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनसे, तो हमें 22 से 23 रुपए किलो पड़ रहा है। अच्छा, ये 22 23 रुपए किलो आपको ये मिलता है। और अगर इसको हम खुद तैयार करेंगे, जैसे किसान भाई कोई भी है हम खुद तैयार करते हैं, तो हमें 12-14-15 रुपए किलो तक हमें पड़ जाता है। इसमें बेसिकली पड़ता क्या है, इसमें हम अपना एक तो पत्थर जी, अंडे के कैल्शियम के लिए पत्थर पड़ता है जी, ठीक है। और इसमें अपना ज्वार, बाजरा, मक्का, ये चीजें पड़ती है। अच्छा, ये अनाज और कोई मिलन मिक्सचर वगैरह? हाँ, कोई भी अनाज भी यूज कर सकते हैं, कोई भी इंटीग्रेट आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि खाने में जो अपन लोग जो आदमी इस्तेमाल करता है वो कुछ भी हम इनको दे सकते हैं। तो आपने ये अनाज के बारे में तो ये बताया, जैसे कि कोई मेडिसिन वगैरह के? हाँ, इनकी पाउडर वगैरह, बिल्कुल इनका पाउडर भी होता है। बाकायदा इनका वैक्सीनेशन पूरा होता है, जब ये पहले दिन का बच्चा होता है तभी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है। जब हम लेके आए थे तो पहले दिन का वैक्सीन कराया था। किस चीज़ का वैक्सीनेशन होता है इनका? इनके अंदर जो बीमारियाँ होती है ना, जैसे आँखों में, आँख में इनकी पानी आना है, खून आना आँख से, ऐसी बीमारी होती है। इनके पंख झड़ जाना, ये बीमारी होती है। जैसे फ्लू बोलते हैं इसको, बर्ड फ्लू। हाँ, जैसे इनको बुखार हो गया, तो उस चीज़ का हर चीज़ का वैक्सीनेशन इनका होता है, टाइम इनका वैक्सीनेशन। इसलिए हमने यहाँ पे अपने शेड में एक डॉक्टर पर शेड के लिए अपॉइंटमेंट है हमारा। अच्छा, जो 24 घंटे इनकी केयर करेगा। वो देखेगा कि भाई कहीं कोई प्रॉब्लम, जैसे कोई लाइट, अब इनका लाइट का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर इनको लाइट नहीं मिल पा रही है तो प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, या बच्चा डर जाएगा अंधेरे में, डर के शोर मचाएगा, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, फर्क पड़ेगा, मोर्टलिटी ज्यादा हो जाएगी, बच्चा मर जाएगा, क्योंकि बच्चा छोटा है जी। तो इस वजह से इसकी केयर के लिए 2 या 3 आदमी हर टाइम 24 घंटे उनकी ड्यूटी है इनको देखने की। तो सर, ये जो आपका मैं पूरा शेड देख रहा हूँ, ये इसकी कैपेसिटी क्या है? सर, एक्चुअली में इसकी टोटल कैपेसिटी, जितनी आप अभी ये बर्ड्स देख रहे हैं, हमारा पहला फ्लोक है जी, ये 34,000 बच्चे हैं अभी जो हमने इसमें रखे हुए हैं जी। इसकी कैपेसिटी अब आप देख लीजिए, 34 एक में आ गए, तो ये 4 टायर है, देखिए आप जैसे देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 टायर हैं। धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाएंगे तो इसमें ये
शिफ्ट होते, इसकी टोटल कैपेसिटी 35,700 की है। ये 123 इसकी चौड़ाई है, 23 फीट। अच्छा 23 फीट जी, 23 फीट चौड़ाई है, चौड़ाई है 360 फीट इसकी लंबाई, 360 फीट लंबाई है। तो इस फ्लॉक में 35,000 ही कैपेसिटी का, 35,000 बच्चे आ जाएंगे जी, 35,000 बच्चे। तो सर अब इसके बाद फिर ये जैसे मान लिया अभी तो यही है, फिर ये इनमें जैसे जैसे ये बड़े होंगे, जैसे इनकी ग्रोथ होती जाएंगी तो डिवाइड होते चले, ये डिवाइड होते जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद ये यहाँ से दूसरे जी, उसके बाद हमने ये बराबर में इसको बोलते हैं हम, मतलब जैसे कि यहाँ बच्चा पल रहा है, जैसे नर्सरी, जैसे छोटे बच्चे की नर्सरी होती है ना, बिल्कुल इसी टाइप में ये ब्रूडर बोलते हैं, ब्रूडर कम ग्रोवर। जी जी जी, इसको ब्रूडर बोलते हैं, ब्रूडर सेड है। उसके बाद हमारे बराबर में और सेड है, उनको लेयर सेड बोलते हैं, मतलब जिसमें मुर्गी बड़ी होने के बाद शिफ्ट हम करेंगे, शिफ्ट उधर करेंगे, वो लेयर होता है, बिल्कुल। उसमें सिर्फ उसका काम अंडा देने का है जी। इसमें बच्चे पलेंगे, बढ़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, पानी पिएंगे, उसके बाद उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा ही दाना उसमें भी चलता है, सेम शेड वो है, उसका साइज अलग है, उसमें अलग अलग मतलब मुर्गियाँ बड़ी, जैसे चार मुर्गियाँ एक शेड में, एक शेड में चार मुर्गियाँ, चार ही आ गई या चार ही आ गई या आठ आ गई, मतलब अपने हिसाब से जिस टाइप से आप शेप करना चाहो उसकी ऐसा आप कर सकते हैं। उसमें ही ऐसे भी, उसमें भी सेम यही है, ऐसे ही दाना डालेगा। अब इसमें क्या है, बच्चा कम दाना खाएगा तो इसमें हम ऐसे करके देखें, यहाँ से ये दाना बच्चे को खिला रहे हैं, अगर हम इसको ऊपर उठा देंगे तो बच्चा इसके नीचे से निकल के बाहर आ जाएगा, दब जाएगा। हाँ दब जाएगा, ठीक है, उसका वो पूरा ऊपर होता है क्योंकि मुर्गियाँ यहाँ से ही दाना फिर अपना उठाती है। हम वो बड़ी होती है इसलिए जगह भी की जरूरत है। ये जैसे आप ये इसमें देख रहे हैं, ये पानी के लिए है निप्पल, ये इसमें बच्चा चोंच मारेगा खुद ही इसमें से ये पानी अपना निकल जाएगा। देखिए ऐसे ही ये पानी पीते हैं, खुद ही चोंच मारेगा तो खुद ही पानी इसमें बाहर आ जाएगा। हाँ खुद ही जो है जी, पानी भी ये खुद पियेंगे। जी जी जी, खुद ही पीते हैं। और जो भी वेस्टेज है मैं देख रहा हूँ, ये आप इसे ये क्या है इसके नीचे, बेल्ट बोलते, ये बेल्ट है, तो ये सब जो इनका मल मूत्र वगैरह है, आइए मैं ये इस बेल्ट पे आ गया। जैसे ये बेल्ट नीचे लगी है, चारों शेडों के नीचे अपनी बेल्ट लगी हुई है, तो ये तो ऑटोमेटिक होगा सर? जी सब फुल्ली ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, आपकी बेल्ट चल पड़ेगी जी। आपकी बेल्ट चल पड़े, सारा मलमूत्र जितनी वेस्टेज है वो आपकी लास्ट में निकाल देगी, और वहाँ से आप इसको कलेक्ट करके अपना जो भी यूज चाहें वो आप यूज इसको कर सकते हैं। अच्छा तो ये सब बेल्ट पे ये मलमूत्र जी सब बाहर निकल हो जाए। मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे है जी, आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे कैसे चलता है, कैसे होता है, सब बाहर आके आप एक तरफ निकाल देते हैं अपना, वो भी उसके लिए मशीनें लगी हैं सब ऑटोमेटिक। ये सर देखो, ये हाँ ये कोई बात नहीं, अंदर चला जाएगा अपने आप ही जाएगा। नहीं अंदर अच्छा हमें ही डालना पड़ेगा, ये कहाँ से निकला होगा, निकल गया होगा कहीं से, निकल जाता है नीचे, आपको घूमते दिखाई दे जाएंगे कभी कभी। अच्छा, वो आज 12 देखो सामने वो डॉक्टर है ना, वैक्सीनेशन चल रहा है। हाँ, अच्छा वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ये शर्ट के हमारे डॉक्टर हैं जी, ये अभी फिलहाल इनका बच्चों को वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये भी कोई टाइप की मोर्टलिटी हो जाती है, कोई अच्छा बच्चा कमजोर है, कोई कमजोर है, एक बच्चा जैसे नीचे बैठा हुआ है जी जी जी, वो नीचे घुस गया होगा। अब देखिए इस टाइप से ये वैक्सीनेशन है, हमारे डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन कर रहे हैं बच्चे का जी। अब ये डॉक्टर साहब इस टाइम कौन सी दवाई दे रहे हैं हम इनको? ये है जी एनडी किल्ड और एनडी वेरिएंट, दो बीमारी का टीका है। कौन कौन सी बीमारी? रानीखेत जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में जो रानीखेत बोलते हैं जी, गैस्ट्रिक डिजीज जी, एक है एनडी वेरिएंट जो ये फ्लू चलता है जी, वेरिएंट। अभी तो ये फ्लू की और रानीखेत बीमारी की दवाइयों की डोज दे रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, इससे पहले कल आई ड्रॉप किया था। अच्छा अच्छा, वो दो बीमारी का टीका वो लगा था, एक ब्रोंकाइट्स बीमारी जी, एक होती है वही यूज गैस्ट्रिक डिजीज। तो इस बेल्ट पे अपना जितना वेस्टेज होता है, हाँ तो ये जो टीकाकरण हो रहा है इससे कोई बीमारी आने का कोई चांस नहीं है, अगर प्रॉपर हम अगर टाइम पे शेड्यूल से इनका वैक्सीनेशन कराते हैं तो हमारी मोर्टलिटी कम होगी, इनकी मृत्यु दर कम होगी, अच्छे से बड़े होंगे, हाँ ये अच्छे से ग्रो होंगे, हाँ ग्रो करेंगे, कुछ खाएंगे देंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे से आपको प्रोडक्शन देंगे जी। तो सब कुछ डिपेंड करता है वैक्सीनेशन किस टाइम पे कितना आप अच्छा करा रहे हो, इनकी केयर आप कितना बिल्कुल बच्चे की तरह आप इनको पाल रहे हो अपने जी, तो जी। ये भी आपको प्रोडक्शन ऐसे ही देंगे। मैं दिखाता हूँ देखो, तो सर ये बेल्ट देखिए सामने जो लगा हुआ है ये हीटर है भट्टी। अच्छा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है ना शुरू के 9 या 10 दिन तक उसे 92 से 95 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर की जरूरत होती है, यानी गर्मी की जरूरत है, गर्मी की जरूरत होती है, छोटे बच्चे में से 95 फारेनहाइट जी इसको चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें बत्ती लगाई है, डीजल बत्ती है, और जब जब भी टेम्परेचर मतलब डाउन होता है
तो हम बच्ची को ऑपरेट ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाती है टेम्परेचर को सेंस करके और टेम्परेचर को इतना ला के कट हीट अंदर आती है बिल्कुल हाँ जैसे ये सब जगह फैला हुआ है। सपोज करो गर्मियों में 92 से ऊपर चला गया उसके लिए हमने फैन लगाए हुए हैं। अच्छा हाँ ये फिर फैन लगे हुए हैं जी। और ये इसके नीचे जो पाइप आप दिखाई दे रहे हो फोगर है मतलब जो फुहार मारता है पानी जो हल्का पानी का फुहार मारेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी बेल्ट है कन्वेयर बेल्ट ये बेल्ट इसका वेस्ट है सारा यहाँ से आता है ये बेल्ट यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं जी ठीक है। जैसे ही आप चलाएंगे आप एक बार चलाएंगे इसे अभी वो जनरेटर में कुछ काम कर रहे हैं ना अभी आपको चला के दिखा दूंगा तो उसके बाद यहाँ से निकलता हुआ सीधा बाहर आ जाएगा ये जी। और बाहर मैं आपको इसका दिखा देता हूँ बड़ी हो जाएगी उसके बाद हम पर डे एक टाइम चलाना पड़ेगा। अच्छा जैसे बेल्ट पे अपना वेस्टेज हो गया तभी आप इसको चला दो एकदम बाहर आ जाएगा। हाँ तुरंत आपका बाहर आ जाएगा वो साफ हो जाएगा यहाँ से पानी का वो लग के अपनी बेल्ट पूरी साफ हो जाएगी और वापस उसी रूट में आ जाएगी। तो किसान साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। किसान साथियों आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी रवि जॉन फार्मिंग लीडर से बातें किसान की अपनी ही धुन।